तो सबसे पहले शुरू करती हूँ कि ये मर्ज़े मोहब्बत ना छूटेगी मुझसे, ये मर्ज़े मोहब्बत ना छूटेगी मुझसे, फिर चाहे कोई भी दवा दे दो। ये मर्ज़े मोहब्बत ना छूटेगी मुझसे, फिर चाहे कोई भी दवा दे दो, कि उसकी चाहतों में ही जान मेरी निकले, कि उसकी चाहतों में ही जान मेरी निकले, कोई तो मुझको वैसी दुआ दे दो। तो अभी बात करती हूँ अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में, कि थोड़े ना समझ थोड़े गुस्सैल से थे वो, थोड़े ना समझ थोड़े गुस्सैल से थे वो, थोड़े चिड़चिड़े बहुत नादान भी थे वो, पर जब से आई हूँ मैं सब कुछ बखूबी संभालने लगे हैं वो, पर जब से आई हूँ मैं सब कुछ बखूबी संभालने लगे हैं वो, अपनी मुस्कुराहटों की वजह मुझे बताने लगे हैं वो, कि जब से आई हूँ मैं सब कुछ बखूबी संभालने लगे हैं वो, अपनी मुस्कुराहटों की वजह मुझे बताने लगे हैं वो, अपनी महकती सी दुनिया का गुलाब मुझे बताते हैं वो, अपनी महकती सी दुनिया का गुलाब मुझे बताते हैं वो, और बहुत दूर रहती हूँ मैं उनसे, बहुत दूर रहती हूँ मैं उनसे, पर मैंने खाना खाया या नहीं, कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं, मुझसे जुड़ी हर छोटी सी छोटी बात का बखूबी ध्यान रखते हैं वो। कई बार उनके अश्कों की वजह भी होती हूँ मैं, कई बार उनके अश्कों की वजह भी होती हूँ मैं, लेकिन अपने हर अश्कों को छुपाकर हर बार मुझे गले से लगाते हैं वो। मेरी कामयाबियों को दूर से देख, मेरी कामयाबियों को दूर से देख, गर्व से मुस्कुराते हैं वो, और गलत मत समझना, इस कड़ी दुनिया की धूप में एक कोमल सी छाया है वो, इस कड़ी दुनिया की धूप में एक कोमल सी छाया है वो, हाँ मेरे पापा हैं वो, हाँ मेरे पापा हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्रम में एक कहानी सुनाती हूँ, कि कहानी मेरे प्यार की, कुछ यूँ है कहानी मेरे प्यार की, कि आँखों आँखों में इशारा हुआ था, आँखों आँखों में इशारा हुआ था, बैठे बैठे जीने का सहारा हुआ था। नहीं जानती क्यों कब और कैसे, हाँ मैं नहीं जानती कि क्यों कब और कैसे, वो ही एक शख्स मेरा सब कुछ मेरा सारा जहाँ हुआ था। काली कमीज़ में जब देखा था पहली बार, काली कमीज़ में जब देखा था पहली बार, उलझे बाल नशीली आँखें उस पर से मुस्कुराना उनका, हाय पहली नज़र में ही दिल मेरा मुझसे ही बागी हुआ था, पहली नज़र में ही दिल मेरा मुझसे ही बागी हुआ था। नहीं की थी मोहब्बत उसे पाने के लिए, नहीं की थी मोहब्बत उसे पाने के लिए, बस दीदार इतना ही चाहती थी जो काफ़ी हो मेरे जीने के लिए, पर वक्त गुज़रा जैसे जैसे साथ उसके, वक्त गुज़रा जैसे जैसे साथ उसके, मेरे इस ख्याल से मेरा ही दिल बेजार हुआ था। कहानी ये तब की है जब मुझे प्यार हुआ था। उनके कंधे पे सर रखना, उनके कंधे पे सर रखना, घंटों न जाने क्या क्या ख्वाब सजोना, यही मेरा तर्ज़े अमल हुआ था। कहानी ये तब की है जब मुझे प्यार हुआ था, कहानी ये तब की है जब मुझे प्यार हुआ था। अगर मेरी बहन ने मेरे लिए कुछ लिखा था, अगर इजाज़त हो तो भाई बहनों के रिश्तों पे एक छोटी सी कविता पेश करना चाहती हूँ। उसे पता नहीं है कि मैंने उसकी डायरी से चुपके से ये फ़ोटो खींची थी, शायद उसके लिए सरप्राइज़ हो। तो तुम्हें देखकर भले ही एक सेकंड सॉरी कहने को तो तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो, वो मेरी छोटी बहन है, तो उसने लिखा था कि कहने को तो तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो, दिखने में भले ही चुड़ैल क्यों ना हो, मेरे लिए मेरी विशेष पूरी करने वाली एक प्यारी सी परी हो। उम्र का ज़्यादा फासला नहीं है हमारे बीच, शायद ही कभी कभार मैंने इज्जत दी होगी तुम्हें, पर तुम्हारे हर रिलेशनशिप्स का सल्यूशन मैं ही दूंगी, ये मेरा वादा रहेगा।
कहने को तो हमारे रिश्ते में दूरियां बहुत हैं, कहने को तो हमारे रिश्ते में दूरियां बहुत हैं और कहने को दुनिया में रिश्ते भी बहुत हैं, पर न जाने क्यों हर किसी से दूर रहने का मन करता है और तुम्हारे ही पास आकर दिल खोल कर रोने का मन करता है। तुम्हारी विदाई में मैं तो नहीं रोऊंगी, तुम्हारी विदाई में मैं तो नहीं रोऊंगी, सब रुलाएंगे तुम्हें तो तुम्हें हंसाने वाला कौन रहेगा, और जब सास तुम्हारी तंग करेगी तो उस मोटी को मज़ा चखाने वाला कौन रहेगा। तुम्हें देखकर भले ही बर्तन वाली याद आ जाती है, अब उसे मुझे देखकर उसे बर्तन वाली याद आती है, तुम्हें देखकर उस मुझे भले ही बर्तन वाली याद आती है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग पकाती है। टीवी के रिमोट से लेकर वाईफाई के पासवर्ड तक हमारी लड़ाई तो यूं ही जारी रहेगी। पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी प्लेट में मैगी ज़्यादा लगती रहती है। पता नहीं ऊपर वाले का क्या प्रेडिक्शन है, पता नहीं ऊपर वाले का क्या प्रेडिक्शन है कि हमारा रिश्ता पिछले 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। पता नहीं ऊपर वाले का क्या प्रेडिक्शन है कि हमारा रिश्ता पिछले 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। भले ही एक दूसरे को समझ पाना हमारे लिए आसान नहीं है, मैं हर बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ, पर आने वाली मुश्किलों को तुम्हारे साथ हंसी खुशी पार करूँगी, ये वादा करती हूँ। तो अगले शेर में पढ़ती हूँ कि कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, मुलाकातों का दौर भी जारी होगा, तो कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, कुछ बरसातें धीमी ही अच्छी लगती हैं। कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, कुछ बरसातें धीमी ही अच्छी लगती हैं। अधूरी मुलाकातों में बेचैन होना तुम्हारा, धीमी बरसातों में खिलखिलाना तुम्हारा। ये हसरत है मेरी बरसात में मुलाकात की, कुछ हसीन शामों की उन शामों में तुम्हारे साथ की। ये हसरत है मेरी बरसात में मुलाकात की, कुछ हसीन शामों की उन शामों में तुम्हारे साथ की। ख्वाबों में ही सही, ख्वाबों में ही सही, पर एक शाम बड़ी खूबसूरत सजा रखी है मैंने। ख्वाबों में ही सही, पर एक शाम बड़ी खूबसूरत सजा रखी है, उस शाम मैंने अपनी मुलाकात सजा रखी है। तूफ़ान टकरा रही है मेरे ख्वाबों से बार बार, तूफ़ान भी टकरा रही है मेरे ख्वाबों से बार बार, और मैंने भी शर्त उन तूफ़ानों से लगा रखी है। कुछ तो मायने होंगे मेरे इन ख्वाबों के, कुछ बरसात भरी शामें तो ज़रूर आएंगी मेरी मुलाकातों के। इन मुलाकातों में तेरी खिलखिलाई सी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, अधूरी मुलाकातों में फिर से मिलने की बेचैनी अच्छी लगती है। कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, कुछ बरसातें धीमी ही अच्छी लगती हैं। एक अंतिम शेर पढ़ूंगी जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत रिलेटेबल है सारी चीज़ों से हटकर, कि कल रात एक ख्वाब देखा मैंने, कल रात एक ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब में खुद की अर्थी को देखा मैंने। कल रात एक ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब में खुद की अर्थी को देखा मैंने। किसी को रोते देखा, किसी को बिलखते देखा, किसी को रोते देखा, किसी को बिलखते देखा, किसी को मन ही मन मुस्कुराते भी देखा। किसी को रोते देखा, किसी को बिलखते देखा, किसी को मन ही मन मुस्कुराते भी देखा। कुछ लोग मुझे सजा रहे थे, कुछ लोग मुझे सजा रहे थे, कुछ लोग मुझे उठा कहीं ले जा रहे थे। कुछ लोग मुझे सजा रहे थे, कुछ लोग मुझे उठा कहीं ले जा रहे थे, एक मेरे माँ बाप ही थे जो मुझे जगा रहे थे। दैट्स ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया।